बात उत्तराखंड के अधूरे कार्यकाल के उस राज की जो पूरा देश जानना चाहेगा, क्योंकि लोगों के जहन में जहां एक सवाल उत्तराखंड के अगले सीएम का है, वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि 20 साल के इतिहास में उत्तराखंड 9 मुख्यमंत्री देख चुका है। अगर एनडी तिवारी को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सीएम अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ऐसा क्यों है और कैसे 1 साल 9 महीने से त्रिवेंद्र सिंह रावत चूक गए, इस रिपोर्ट में देखिए। तीन दिन पहले जब उत्तराखंड की राजनीति में उठापटक शुरू हुई तो सबके जहन में एक सवाल था कि त्रिवेंद्र सिंह इतिहास रचेंगे या कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन 1 साल 9 दिन से त्रिवेंद्र सिंह रावत इतिहास रचने से चूक गए और इस चूक के साथ सवाल खड़ा हो गया कि आखिर क्या वजह है कि उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि उत्तराखंड के सियासी इतिहास में नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी का कोई भी सीएम अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। दरअसल उत्तराखंड का सियासी मिजाज अस्थिरता वाला रहा है। राज्य की सत्ता में भाजपा तीसरी बार विराजमान है, लेकिन पार्टी का एक भी सीएम 5 साल तक कुर्सी पर नहीं रह सका। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में बड़ी उम्मीद के साथ सन 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना का सपना साकार हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन 2 साल में ही राज्य ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नित्यानंद स्वामी ने 9 नवंबर 2000 को शपथ ली, लेकिन 1 साल भी वो कुर्सी पर नहीं रह सके। 29 अक्टूबर 2001 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद भाजपा के दिग्गज नेता भगत सिंह कोश्यारी ने 30 अक्टूबर 2001 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन वो महज 123 दिन ही सीएम की कुर्सी पर टिक सके। जिसके बाद साल 2002 में सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने, जो उत्तराखंड के इकलौते सीएम रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 2007 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। भुवन चंद्र खंडूरी 8 मार्च 2007 को मुख्यमंत्री बने और 27 जून 2009 को इस्तीफा देना पड़ा। रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 11 सितंबर 2011 तक मुख्यमंत्री रहे। वही भुवन चंद्र खंडूरी एक बार फिर से 11 सितंबर 2011 को मुख्यमंत्री बने और 2012 तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें विजय बहुगुणा 2012 से 2014 तक और फिर हरीश रावत फरवरी 2014 से 2017 तक सीएम रहे। 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश की कमान संभाली, जिन्हें देखकर लगा कि वे एनडी तिवारी के बाद दूसरे ऐसे सीएम साबित होंगे जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन वो भी 1 साल 9 दिन से बाजी हार गए। संयुक्त रूप से सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है, आज 9 दिन कम रहेंगे 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये कितना मौका मुझे दिया है, मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब हर कोई पूछ रहा है कि अगर उत्तराखंड की सियासत में ऐसा क्या है जो कोई सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि एनडी तिवारी के बाद कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाया। और अब ये सवाल उत्तराखंड की जनता भी पूछ रही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। और ये सवाल कहीं ना कहीं उन राजनीतिक दलों को भी खुद से पूछना चाहिए, क्यों वो एक ऐसा चेहरा नहीं दे पाते जो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।